नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे मध्य प्रदेश के जिले और संभाग। हम लोग इनका डीपली अध्ययन कर चुके थे, जिलों का और संभाग का। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण इसे भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं। भारत का हृदय प्रदेश कैसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को हृदय स्थल कहा जाता है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.38%। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.38%। यह राजस्थान के पश्चात देश का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। तो याद रखिए, राजस्थान पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में और भारत मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश राज्य के मध्य से गुजरती है। कुल 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, या 14 जिलों पर कर्क रेखा पर 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखते हैं मध्य प्रदेश का। तो याद रखिए, अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर। तो याद रखिए, 21-6 से 26-30 और 74-59 से 82-66 पूर्वी देशांतर, याद रखना। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देख ही लिया था, 308,252 वर्ग किलोमीटर है। देश का क्षेत्रफल कितना है? देश में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? 9.38%। क्षेत्रफल में भारत का दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, पहले पे है राजस्थान। अब बात करते हैं लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तो कितनी है? 870 किलोमीटर। तो याद रखिए, लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर, चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम 870, क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का 308,252। ये कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 9.38%। क्षेत्रफल के मामले में दूसरे स्थान पर है भारत, MP, याद रखिए। अब सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें हम, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? सीमावर्ती प्रदेशों की बात करें तो इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। सीमा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से और सबसे कम गुजरात से, बड़ौदा जिला से लगती है गुजरात के। ठीक है, तो याद रखिए, कितने राज्यों से? उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, याद रखिए, और पूर्व में छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ है, फिर राजस्थान है यहाँ, और गुजरात है पश्चिम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पड़ोसी राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। पड़ोसी राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के जिले देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश से बात करते हैं तो 13 जिले लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा छूती है, लगती है। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा,
सीधी सिंगरौली। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा लगती है, जिनमें मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से 10 जिलों की सीमा लगती है, जिनमें शामिल है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर, मुरैना। महाराष्ट्र की बात करें तो 9 जिलों की सीमा लगती है महाराष्ट्र से, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। गुजरात की बात करें तो 2 जिलों की सीमा लगती है गुजरात से, झाबुआ एवं अलीराजपुर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 6 जिलों की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ से, सीधी, सिंगरौली, सहलोड, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके जिला, ये थे मध्य प्रदेश के जिले जिन जिन राज्यों से लगे हुए थे। अब बात करते हैं उन राज्यों के जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में सीमा से लगे राज्य और उनके जिले। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले छूते लगते हैं मध्य प्रदेश की सीमा से। याद रखिए मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते थे, 13। इनमें शामिल है आगरा, इटावा, औरई, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से 6 जिले लगते हैं, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनंदगांव। राजस्थान की बात करें तो 10 जिले रखते हैं राजस्थान से, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, वारण, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली। गुजरात के 2 जिले लगते हैं, बड़ोदरा और दहोद। ठीक है, महाराष्ट्र के 9 जिले लगते हैं, धुले, भुसावल, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुलढाणा, जलगांव, नंदुरबार और गोंदिया। अब बात करते हैं हम लोग भौतिक या प्राकृतिक विभाजन के बारे में मध्य प्रदेश के। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग भूभाग है। मध्य प्रदेश कौन से भूभाग का भाग है, गोंडवाना भूभाग लैंड का। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, याद रखिए। मध्य प्रदेश मध्य उच्च प्रदेश, पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश है, जिसमें 5 भाग हैं। मालवा का पठार, मालवा पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित मालवा पठार 20 डिग्री 17 से 25 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश लेकर 14 डिग्री 20 से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के तक है। दक्कन टैप की वैशाल चट्टानों से निर्मित इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, भोपाल, धार, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, राजगढ़, विदिशा, गुना आदि है मालवा पठार में आते हैं। करक रेखा इसके मध्य से गुजरती है, करक रेखा मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। औसत ऊंचाई है 500 मीटर। जाना पाव पहाड़ी जहाँ से चंबल का नदी का उद्गम होता है। सिगार यहाँ की प्रमुख चोटी है, सिगार। ठीक है, मालवा पठार नर्मदा और चंबल के बीच जल विभाजक है। मालवा पठार का के उप विभाजन सोनवाड़ा पठार, सागर पठार, विदिशा की उच्च भूमि भोपाल पठार। अब बात करते हैं मध्य भारत का पठार। मालवा पठार देख चुके, मध्य भारत का पठार, यह वस्तुतः उत्तर प्रदेश राजस्थान से सटा हुआ है। चंबल घाटी इसी में है, मध्य भारत के पठार में चंबल घाटी है। चंबल एवं कालीसिंध इस प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। अब बात करते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार विंध्यन कगारी क्षेत्र है, जो करक रेखा के उत्तर में स्थित है। यह कड़प्पा और विंध्यन शैल समूह से निर्मित है। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की सोन और कैन।
तथा अमरकंटक इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। रीवा पन्ना की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। फिर अगला नर्मदा सोन घाटी। वस्तुतः मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित एक बृहंस क्षेत्र है। प्रमुख नदियां नर्मदा और सोन है यहाँ की। इस घाटी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। फिर है हमारा बुंदेलखंड का पठार। आसमान ऊंचाइयों और तथा लाल पीली मिट्टी वाला यह पठार नीस और ग्रेनाइड प्री कैम्बियन युगीन से बना है। सिद्ध बाबा पहाड़ी इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है। बेतवा धसान इस प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। तो याद रखिए बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सिद्ध बाबा पहाड़ी। अब बात करते हैं सतपुड़ा मैकाल शैली प्रदेश। मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिम सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत इस शैली के तीन उप विभाजन हैं। राजपीपला शैली, दूसरी है मध्य शैली हिस्सा जिसमें ग्वालीगढ़ शैली, महादेव शैली, इसका तीसरा भाग है मैकाल शैली जो इसके बिल्कुल पूर्व में स्थित अर्धचंद्राकार भाग है। अमरकंटक मैकाल शैली का पठार है जहाँ से एक ओर नर्मदा, दूसरी ओर सोन तथा तीसरी ओर जोहिला का उद्गम होता है। याद रखिए अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। अमरकंटक की एक अधिकांश ऊंची सतहों पर बॉक्साइड के विशाल भंडार भी है। अब बात करते हैं हम लोग पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, पठारी भाग। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इस पठार का सीधी शहडोल वाला भाग मध्य प्रदेश में है। गौड़वाना शैल समूह से प्रमुख निर्मित इस पठार में विंध्यन ग्रेनाइड शैल समूह भी मिलते हैं। यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। सोनटॉस, बीहड़ व जोहिला प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की। बात करते हैं मानचित्र में देख लेते हैं मैप में। तो यह है मध्य प्रदेश का मैप। तो बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? याद रखिए ये बुंदेलखंड का पठार है। मध्य भारत का पठार यह है। मालवा का पठार यह है। नर्मदा घाटी यह है। सतपुड़ा मैकाल यह है। बघेलखंड का पठार यह है। रीवा पन्ना का पठार यह है। वो बुंदेलखंड का पठार ये है। तो याद रखिए बुंदेलखंड का पठार यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए मालवा क्या है? मध्य भारत, मालवा, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, बघेलखंड पठार, रीवा, बुंदेलखंड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के शैल समूह देखते हैं। तो शैल समूह है ये क्षेत्र हो गए, तो ये श्रेणियाँ या चट्टाने हो गई, ठीक है। पहली है आध महाकल्प चट्टान। तो ये मालवा, दक्कन टैप, बुंदेलखंड, विंध्यनखंड, कगार, यहाँ ग्रेनाइड, नीस, सिल्क, डाइक चट्टाने हैं। फिर है दूसरा है धारवाड़ शैल समूह, जीवाश्म का अभाव है इसमें। दक्षिण मध्य प्रदेश बुंदेलखंड व विंध्यन के मध्य विजयावर श्रेणियाँ हैं। यह चिल्पी श्रेणी, बालाघाट, सोनसर श्रेणी, छिदवाड़ा है। फिर है पुराना शैल समूह, पन्ना ग्वालियर में ही क्षेत्र है इसका। विजयावर श्रृंखला पन्ना पठार से लेकर ग्वालियर तक विस्तृत है। फिर है विंध्यन शैल समूह, रीवा से लेकर चंबल तक, सोनघाटी, भांडेर शैली, कैमूर शैली, रीवा शैली है। फिर है तृतीयक शैल समूह, तो इसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है। गौड़वाना महाद्वीप को दोहन से लेकर दक्कन पठार का स्वरूप बदला है। फिर है गौड़वाना शैल समूह, तो सतपुड़ा बघेलखंड है इसमें। पेंच घाटी है इसमें, मोहयानी, देनवा, बगरा कोयला क्षेत्र, पचमढ़ी, महादेव शैली, किसमें? गौड़वाला शैल समूह में, सतपुड़ा बघेलखंड में। दक्कन टैप है मालवा पठार, बाघ लमेटा निचे पड़ों से निर्मित है, सिगार सैड़ी, जानापाव इसी में है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत कौन से हैं? विंध्याचल। विंध्याचल का कगारी क्षेत्र राज्य में अवस्थित है। यह पूर्व से भांडेर कैमूर सैडी से पश्चिम में मुरैना तक मध्य प्रदेश का उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। फिर है राजपीपला पर्वत सैडी, यह पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला की पहाड़ियाँ अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़, असीरगढ़ पहाड़ियाँ इसी भाग में स्थित हैं। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है, कहाँ से? राजपीपला पर्वत श्रेणी से, ठीक है। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बुरहान दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 350 मीटर, जो महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिए, सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कौन है? धूपगढ़। धूपगढ़ महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर है मेकल पर्वत श्रेणी। श्रेणी का पूर्वी भाग मेकल का पठार कहलाता है। इसकी पूर्वी सीमा चंदा अर्धचंदाकार है, ठीक है। तो ये थे हमारे भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में हम लोग नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, ठीक है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कहाँ है? धूपगढ़ है। और कौन से पर्वत पे? महादेव पर्वत श्रेणी में है, ठीक है।